हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, हमारा ये व्लॉग काफ़ी दिनों में आया है। आपको पता ही है, बारिश हो रही थी, इसकी वजह से हम कोई व्लॉग बना नहीं पाए। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, आज आपके लिए एक व्लॉग लेके आए हैं। दोस्तों, आपने पिछली बार एक लाल किले का हमारा व्लॉग देखा होगा, अभी हम लाल किले का जो सेकेंड व्लॉग है आज आपको दिखाएंगे। लाल किले के अंदर फ्रेंड्स एक म्यूजियम है, और अभी हम म्यूजियम में ही जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि म्यूजियम के अंदर क्या क्या है। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं। अभी फिलहाल हम मीना बाजार में हैं, ये यहाँ का लाल किले के अंदर मीना बाजार है फ्रेंड्स। चलिए फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे काफी पुराने समय की जो म्यूजियम है उसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो यही म्यूजियम है। चलिए अंदर चलते हैं, फिर आपको अंदर चलकर दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है म्यूजियम के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, फिर अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम अंदर आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें 1857 की क्रांति में प्रयोग आने वाले विभिन्न प्रकार के झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो झंडे हैं। अभी फ्रेंड्स, हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं, ये जो इस स्थान पर पूरे भारत में जहाँ पर विद्रोह हुआ और जो युद्ध हुए हैं उनको दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये 1857 की क्रांति में जो यहाँ पे विद्रोह हुआ था और जो भी युद्ध हुए हैं इसी लोकेशन पर पूरा दिखाया गया है। चलिए फिर आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं और आगे क्या क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस म्यूजियम के अंदर गुप्त संदेश और कमल और पेड़ की छाल, और यहाँ पर हमें जो युद्ध से पहले प्लानिंग की गई थी उसके कुछ चित्र दर्शाए गए हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो प्लानिंग की गई थी, जो राज्य हड़पे गए थे और जो यहाँ पे जो मुगल थे उन्होंने जो प्लानिंग की हुई थी, यहाँ पे उन चीज़ों के चित्र भी पूरे दर्शाए गए हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पे एक फिल्म भी चलती है दोस्तों, और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये जो सामने हथियार हैं, उस समय में यही हथियार होते थे और यही हथियार यूज भी किए गए थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे घूमकर कैसा लग रहा है और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं और आपको आगे क्या क्या वो भी दिखाते हैं। जब आप भी कभी यहाँ पे म्यूजियम में घूमने के लिए आओगे, आप भी यहाँ पे जो दीवारों पे यहाँ पे इतनी स्वाकृतियाँ दर्शाई गई हैं, जो जो युद्ध हुए हैं उस समय में लोगों के साथ में कैसा बर्ताव होता था, कैसे उनका शोषण होता था, कौन कौन से हथियार यूज होते थे फ्रेंड्स, और राजा कौन कौन सी पोशाक पहनते थे, ये सब यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया फ्रेंड्स। वो मैं आपको पूरी डिटेल में तो बता नहीं सकता, लेकिन आप जब भी यहाँ पे आओगे तो इन दीवारों पर सब कुछ जो भी है यहाँ की फुल डिटेल है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे इसको पढ़कर अपनी जो जनरल नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हो, और आपको यहाँ पे आने के बाद अपना जो हिस्ट्री है उसको जानने का भी एक मौका मिलेगा फ्रेंड्स, और इससे आपका काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहेगा फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ का जो लखनऊ में जो युद्ध हुआ था वो भी पूरा यहाँ पे दर्शाया गया है। फाइनली दोस्तों, अभी हम पूरा म्यूजियम घूम चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपने भी देख ही लिया होगा फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट जरूर किया करो
क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें काफ़ी अच्छा लगता है और एक नई वीडियो बनाने में भी हमारा मन लगता है, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं फ्रेंड्स। और आप भी हमारा साथ दें और हमारी वीडियो को अच्छे से देखें, और जो भी आपके आसपास के यार दोस्त हैं फ्रेंड हैं आप उनको इसको शेयर करें। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो और एक नई लोकेशन पर। Every way I can't give it up. Anything just to feel the rush.